ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल में भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार पहाड़ों से चट्टानें दरकने का मामला जो है वो सामने आ रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली एक बार फिर से बंद हो गया है। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई हाईवे को खोलने की, इसके बावजूद हाईवे बहाल नहीं हो पाया। जेसीबी के जरिए रास्तों को खोलने का काम जारी है। गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है रास्ते बंद होने की वजह से, और इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। क्या हालात हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। तो हिमाचल में भूस्खलन का सिलसिला जारी है और नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली एक बार फिर से बंद हो गया है। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई हाईवे को बहाल करने की, लेकिन इसके बावजूद हाईवे को बहाल नहीं किया गया और ऐसे में कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर गाड़ियों का लग गया। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चट्टान गिरने की वजह से हाईवे जो है वो बंद हो गया। ऐसे में 14 घंटे की मशक्कत भी की गई हाईवे को खोलने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। हाईवे बंद पड़ा है, ऐसे में गाड़ियों का लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मंडी से संवाददाता उमेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, यहाँ पर चंडीगढ़ मनाली हाईवे जो है एक बार फिर से बंद हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चट्टाने गिरने का सिलसिला हिमाचल में जारी है और ऐसे में कड़ी मशक्कत की जा रही है हाईवे को बहाल करने की, लेकिन अभी तक हाईवे बहाल नहीं हो पाया है। पूरी अपडेट चाहेंगे इस खबर को लेकर। आपको बताना चाहूंगा, अगर पिछले दिन की बात की जाए तो पिछले दिन यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे की चंडीगढ़ मनाली पंडो के समीप जो 7 मील है वहां पर एक बार फिर जो है पहाड़ से चट्टाने गिरने के कारण जो है बंद हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि 7 मील के पास पहले भी कई बार ये नेशनल हाईवे जो है बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर फोरलेन का कार्य भी चला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो है खनन भी किया जा रहा है। जब वहीं से यहाँ के जो पहाड़ है जो कमजोर हो चुके हैं, जिस कारण जो है लगातार यहाँ पर ऐसा ही होता है। पिछले दिनों यहाँ मौसम खराब रहा, मूसलाधार बारिश हुई, जिस कारण यहाँ पर फिर से चट्टाने जो है मतलब दरकना शुरू हो गया, और जिसके कारण जो है कल शाम को लगभग 6 बजे को जो है ये रास्ता जो है मतलब यहाँ पर यातायात के लिए बंद हो गया था। और इसके बाद सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो दोनों तरफ है वो लंबी कतारें लगी, और शासन के द्वारा जो है यहाँ पर मंडी से कुल्लू जाने के लिए बाया कटौला और कुल्लू से मंडी की ओर आने के लिए बाया चाय चौक जो है गाड़ियों को भी छोटी गाड़ी को भेजा गया, लेकिन जो बड़ी बसें और ट्रक और जो अन्य गाड़ियां थी उनका जो है एक लंबा जाम वहां मौके पर लग गया। लेकिन अभी हमें आधा घंटा पहले यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है शासन से, तो इस सड़क मार्ग को कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 14 घंटों के बाद जो है इसे खोल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि जो बसेस है इस समय यहाँ पर मनाली में जो है काफी अधिक जो है बर्फबारी भी हुई है, पर्यटकों का भी काफी अधिक जमावड़ा लगा हुआ है और पर्यटक भी काफी घूमने आ रहे हैं, तो पूरी रात उन्हें जो है उनकी जो बसें हैं वो वही फंसी रही और उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इसके साथ साथ जो है उन्हें पूरी रात यहाँ पर ठंड का मौसम है, बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, तो उन्हें यहाँ पूरी रात जो है इनको परेशानी झेलनी पड़ी। तो वही प्रशासन के द्वारा जो है लगभग 14 घंटे के बाद जो है मार्ग को अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर खोला गया है। तो ये रात बड़ी खबर है, लेकिन अभी भी जो है सड़क मार्ग के ऊपर जो है चट्टाने हैं, पत्थर है, जिन्हें धीरे धीरे जो है मतलब पूरी की तरह जिन्हें साफ किया जाएगा, उसके बाद ही जो है वहाँ पर सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक शुरू हो पाएगा। जी जी शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बड़ी अपडेट देते कि कुछ ही देर पहले जो है नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली जो है वो बहाल कर दिया गया है। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब हाईवे बहाल हो गया है, तो यहां से यातायात सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू हो गया है। हालांकि अभी जो थोड़ा बहुत मलबा सड़क पर है उसको ज़रूर हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जो बसें हैं जो जाम में फंसी हुई थी उनको जरूर अब निकाला जा रहा है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त यही सामने आ रही है कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे जो है वो बहाल हो गया है। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। जिला कांगड़ा का ऊर्जा मंत्री सुखराम